तो सी का कंपाइलर जब भी यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखेगा तो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए वो कॉमा के बाद की वैल्यू को यहाँ पर लेकर आएगा और उसको प्रिंट करा देगा। कैसे? प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करें? मॉड्यूल डी परसेंट डी कॉमा आई, आई को प्रिंट किया जाए। अब आई क्या है? एक वेरिएबल है। और यहाँ पर परसेंट डी क्या है? कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर है। कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अब हम इस आउटपुट को इस्तेमाल करके देखते हैं अपने प्रोग्राम में। देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी अभी, हम इसको सबसे पहले इस वाली लाइन को डिलीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक कैरेक्टर बनाया C1 और इसको यहीं के यहीं इनिशियलाइज कर दिया। किससे? Y से। याद रखिए जब भी आप कैरेक्टर टाइप का वैल्यू देते हैं तो उसको सिंगल कोट में दीजिए। हालांकि अभी हम इसके बारे में बाद में सीखेंगे, फिर भी आप याद रखिए कि हम इसको इस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब आप बताइए C1 के अंदर क्या वैल्यू है? Y वैल्यू है। C1 में क्या वैल्यू है? Y। तो हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे? प्रिंट एफ। आप जब नॉर्मल कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो आप सीख चुके हैं कैसे प्रिंट कराते हैं। डबल कोट के अंदर लिखते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रिंट होगा। लेकिन जब आप किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल करेंगे। तो कैरेक्टर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है? परसेंट सी, स्मॉल सी रहेगा, कैपिटल सी नहीं होगा। परसेंट सी कैरेक्टर के लिए, याद रखिए कैरेक्टर का पहला जो लेटर है वो सी है, तो परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर हुआ किसका? कैरेक्टर का। डबल कोट लगाइए, कॉमा लगाइए और उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए जिस वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए और सेमी कोलन लगाइए। देखिए इतना आसान था। पहले जो हम लिखते थे वो क्या लिखते थे? प्रिंट एफ ब्रैकेट, यहाँ पर लिखा दिस इज सी, ये लिखते थे अगर हमें प्रिंट करवाना होता था तो। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वैल्यू जब आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो डबल कोट के अंदर आप कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस ना लिखते हुए आप क्या लिखेंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के ठीक बाद आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे। तो वेरिएबल नेम जब आपने लिखा तो वैल्यू प्रिंट होगी। रन कराते हैं प्रोग्राम को, पहले कंपाइल कराते हैं जिससे एरर हमें दिखाई देंगे। कोई एरर नहीं है, ओके करिए। सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ से हटाते तो नहीं है, यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। तो जब हमने कमेंट किया तो ये वाली लाइन शामिल नहीं होगी हमारे प्रोग्राम में। रन कराते हैं, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है? वाई प्रिंट हो रहा है। तो वाई प्रिंट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही तरह से काम कर रहा है। आप चाहें तो इसे कुछ इस तरह भी प्रिंट करा सकते हैं। हम क्या चाहते हैं कि इस तरह प्रिंट हो, द वैल्यू ऑफ C1 इज, अब यहां पर वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ C1 इज, वैल्यू प्रिंट हो किसकी? C1 की। तो C1 की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आप जानते हैं क्या लगाएंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर और कॉमा के बाद वेरिएबल। अब रन कराइए, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है? द वैल्यू ऑफ C1 इज बाई। इस तरह से आपका प्रिंट एफ फंक्शन यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट वर्क करते हैं। तो आपने आउटपुट स्टेटमेंट से कैसे काम कराना है सीखा। तो आप जब कुछ आउटपुट देना चाहते हैं तो आप इस तरह से आउटपुट दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करें तो कॉमा कीजिए, C2, C2 की वैल्यू डिफाइन कर दीजिए n। अगर हम एक से ज़्यादा प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी लिख दीजिए। C1 देखिए किस तरह प्रिंट करना चाहते हैं, द वैल्यू ऑफ C1 इज, यहाँ पर C1 की वैल्यू आनी चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज, और इस जगह पर क्या आनी चाहिए? C2 की वैल्यू आनी चाहिए। तो C2 की वैल्यू लाने के लिए हमने फिर से एक बार पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया और सबसे लास्ट में दूसरे वेरिएबल को भी यहाँ पर लिख दिया। अब क्या प्रिंट होगा? द वैल्यू ऑफ C1 इज, जैसे ही परसेंट सी कंपाइलर को मिलेगा वो तुरंत कॉमा के बाद के पहले वेरिएबल को ढूंढेगा, क्या है? C1। C1 की वैल्यू क्या है वो देखेगा, C1 की वैल्यू है Y, तो Y को यहाँ पर लिख देगा। उसके बाद एंड प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ C2 प्रिंट होगी, इस प्रिंट होगा। लेकिन फिर से जैसे उसको परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलेगा वो तुरंत कॉमा के ठीक बाद जाएगा, अब दूसरे कॉमा के बाद जाएगा
और C2 की वैल्यू को देखेगा क्या है, n, और उसको यहाँ पर प्रिंट।